अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, एज आई प्रोमिस्ड आई एम हेयर टू प्रेजेंट यू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई एस ए सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ एस ए राइटिंग एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू अंडरस्टैंड एस ए टॉपिक। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको शक्ल दिखा दूँ कि एस ए पेपर होता कैसे, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से ऐसे पेपर आएगा आपके सामने, और ये एग्ज़ाम्स का पहला पेपर होता है, यानी कि जब आपकी डेट शीट आती है तो हमेशा ऐसे पेपर जो है वो पहला पेपर होता है, और सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रेशर भी इसी पेपर का होता है, ठीक है। एट फर्स्ट आपने इसमें ये देखना है कि आपको रेंज क्या मिली हुई है वर्ड्स की। आपने लिखने हैं इसमें 2500 to 3000 वर्ड्स की रेंज के दरमियान आपने लिखना है, यानी कि आपका जो एसे है वो 2500 लफ्ज़ों से कम नहीं होना चाहिए और 3000 लफ्ज़ों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एसे के लिए 3 घंटे मिलेंगे, और उसी के अंदर आपने ये एसे को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी होती है, देन फिर बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, एंड पे कंक्लूजन, और इस तरह से आप एसे जो है एंड करते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से आउटलाइन वगैरह बनानी है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पूरी ये जो सीरीज़ है मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगी, और हम इस सीरीज़ में क्या क्या आगे समझेंगे वो मैं आपको एजेंडा ऑफ एसे सीरीज़ की वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप ये जान पाएंगे कि हम इस एसे सीरीज़ में क्या क्या सीखने वाले हैं आगे, ठीक हो गया। लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि बेसिक्स क्या क्या हैं एसे के। आपको मैंने रेंज बता दी, आपको मैंने टाइम बता दिया, ठीक हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो जाना, आपने पहले पेपर की लास्ट पेजेस पर आपने क्या करना है, रफ़ आउटलाइन बनानी है, उसके बाद उसको नीट करना है, ठीक है। अच्छा, तो आपके जो टोटल एसे हैं आपका वो 15 to 20 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन इट इज़ बेटर कि अगर 15 to 20 आपके पैराग्राफ्स हों, और आपका एक पैराग्राफ अगर एक पेज पर आए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा अब इस पेज पे ये बात हो रही है, नेक्स्ट पेज पे ये बात हो रही है। लेकिन अगर ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, इट विल बी फाइन। उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं आपके वो उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने एक पैराग्राफ बहुत लंबा कर दिया और दूसरा आपने बहुत छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप लेंथ रख रहे हैं वही आपने सब में फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ की जो एक आइडियल लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक, ठीक हो गया। फिर थोड़ा सा आउटलाइन के बारे में जान लेते हैं कि आउटलाइन किस तरह से होनी चाहिए। आउटलाइन में सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, आउटलाइन होती क्या है। आउटलाइन ये होती है जिस तरह से आपकी एक कोई भी किताब है, और किताब का जो कंटेंट पेज होता है, ठीक है, जिसमें कंटेंट्स लिखे होते हैं कि इस किताब में यू विल फाइंड दिस 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 टॉपिक, ठीक है। इसी तरह से आउटलाइन भी आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाते हैं कि मेरे ऐसे में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो कैसा लगेगा किसी इंसान को, किसी रीडर को, कि एक किताब उसने ख़रीदी ही इसलिए है कि उसमें उसको फलां टॉपिक जो उसने कॉन्टेंट में देखा था वो मिल जाएगा। बट लेटर ऑन जब वो किताब देखता है, घर ख़रीद कर ले जाता है, और उसमें वो देखते हैं वो टॉपिक ही नहीं है, तो आप सोचेंगे उसको कैसा लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि आपने जो आउटलाइन में टॉपिक्स लिखे हैं, जो आपने बातें लिखी हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपके ऐसे में होना चाहिए। बाज़ूकात टाइम की कमी की वजह से जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, जो लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, वो अक्सर एस्पायरेंट्स के रह जाते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस वजह से बेसिक चीज़ ये है कि आप उतनी ही हेडिंग्स बनाएं, उतने ही पॉइंट्स लिखें जितना कि आप उन 3 घंटों के अंदर कवर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप मेन हेड्स जो है ना वो आप 6 से 7 कर लें, ठीक है, 6 से 7 मेन हेडिंग्स हो जाएं, और एक हेडिंग के अंदर 5 से 6 सब हेडिंग्स हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कॉजेस पूछे हैं, रेमेडीज पूछी हैं, ठीक है, या ये डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरह का है, तो आप 5 से 6 जो हैं आप सब हेड्स दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एसे के अंदर आपने बहुत ज़्यादा कोटेशंस नहीं यूज़ करनी, आपने बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं यूज़ करने,
बहुत आपने फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करी, ऐसा ना लगे कि आपका पेपर आपने नहीं लिखा बल्कि कोई विकीपीडिया का कोई वेब पेज है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए कोटेशंस, रेफरेंसेस भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक इत्तेदाल के साथ, ठीक हो गया। देन फिर मैं आपको बता दूं कि पेपर आता है किस तरह से। पेपर बेसिकली शीट्स जो हैं वो असेंबल हुई होती हैं, ठीक है, और वो 25 शीट्स होती हैं, उस पर ना नंबर प्रिंट हुआ होता है। तो आपने टाइम मैनेज करने के लिए क्या करना है कि शुरू के 25 to 30 मिनट्स आप आउटलाइन बनाने में लगाएं, ठीक है। सबसे पहले आप पेपर, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो शीट्स मिलती हैं उसके लास्ट में आप रेफर कर सकते हैं, मतलब ये FPSC की तरफ से ही जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस लास्ट में जाके आपने ऊपर हेडिंग देनी है रफ़ की, ठीक है, और नीचे पेंसिल से लिख लें, पेन से लिख लें, इट डजेंट मैटर। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पर आप रफ़ सी आउटलाइन बना लें, ताकि आपके नीट पेपर में आप मतलब उसमें कोई फस क्रिएट ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, आपने बना ली आउटलाइन, बना ली, फिर आप उसको नीट कर लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होती है कि वो जगह छोड़ देते हैं और लास्ट में लिखते हैं, लेकिन ये अप्रोच बहुत गलत है। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके पास टाइम ना बचे लास्ट में, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि आपको कितना टाइम लग जाएगा, तो अगर आपकी वो आपको टाइम ही ना मिला वो आउटलाइन लिखने का, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है पास होने का। इसलिए ये गलती ना करिएगा, आप पहले ही लिख लें, पहले ही सोच लें, पहले ही टाइम लगा लें कि आपने क्या क्या पॉइंट सेट करने हैं, ठीक हो गया। वो लिखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एग्जामिनर, अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर में गौर से देखें, तो उसने आपसे मांगा क्या हुआ है, वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपकी एसे में रेलिवेंस होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसी हैं जो अनपार्डनेबल हैं, ठीक है। एटलीस्ट CSS एस्पायरेंट से एग्जामिनर ये तो एक्सपेक्ट करता ही है कि उसमें उसकी ग्रामर एटलीस्ट जो है वो फ्लॉलेस हो, ठीक हो गया। कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आप कभी मशरक़ की बात करें तो कभी आप मगरिब की बात करने लग पड़े, नहीं, तरतीब से। और आपकी जो आउटलाइन है वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, बेसिक्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यस, वन मोर पॉइंट, आपको जो शीट्स मिलेंगी उसकी एक तरफ ऑलरेडी मार्जिन लगा हुआ होगा प्रिंटेड, आपने बस दूसरी तरफ खुद लगाना है, ठीक है। उसको यूं ना छोड़ दीजिएगा, दूसरी तरफ भी आप लगाइएगा, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको ये पिक्चर में शो कर रही हूँ, इस तरह से आपने पेपर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं असल टॉपिक की, जो कि है हाउ टू अंडरस्टैंड एसे टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपके पास 10 टॉपिक आते हैं, ठीक है। आपने 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट आपने लगाने हैं टॉपिक को पढ़ने में, उसको समझने में, या चलिए अगर 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा हैं तो 5 to 7 तो एटलीस्ट आपको लगाने चाहिए, ठीक है। आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम कश्मीर इशू आया था, ठीक है। अब जिसने किया था जिसने नहीं किया था वो बस कश्मीर इशू देख लिया और बस सब धड़ाधड़ शुरू हो गए कि लो जी ये तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कश्मीर इशू का पाकिस्तान पर असर पूछा था, पाकिस्तान के ऊपर उसका इफ़ेक्ट्स पूछे थे, ये नहीं पूछा था कि कश्मीर इशू है क्या। अब वो एस्पिरेंट्स शुरू हुए होंगे वो हिस्ट्री से और फिर ज्योग्राफी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उसमें ऐड कर दिया होगा, तो आपने ये देखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। आपने 5 to 7 मिनट्स लगा दिए अंडरस्टैंड करने में कि टॉपिक में आपसे पूछा क्या है। आप बार बार सारे टॉपिक्स पढ़ें, ठीक है, आप देखें कि इसमें से कौन सा टॉपिक जो है मतलब मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, अब जो आपको लग रहा है कि ये भी आता है ये भी आता है, आप हल्का सा उस पर टिक लगाते जाएं, उसके बाद फिर उनमें से चूज़ करें, फिर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप सोचें कि किस टॉपिक पे आपको कितना आता है, ठीक है। फिर जब आपको थोड़ा बहुत डेटा आने लग पड़े माइंड में और जिसमें जिसके बारे में जिस टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा आता है, आप उसको फाइनलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। फाइनलाइज हो गया टॉपिक, देन आपने क्या करना है, हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे नहीं होते, वो मेटाफोरिकल उसमें उन्होंने टर्म्स यूज़ की होती हैं, ठीक है, उसका मतलब कुछ और होता है, और जो लिखा होता है उसका
एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग वो नहीं पूछा जा रहा होता। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और आप कभी भी किसी ऐसे टॉपिक की तरफ मत जाएं, उसको ना अटेम्प्ट करें जो आपको समझ ही नहीं आया, जिसकी दो चार असम्पशंस बनते हैं, जिसके दो चार मतलब बन रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसकी डिफरेंट हो सकती है, ऐसे टॉपिक की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के मिसालें भी देती हूँ। ठीक है, सेकेंडली आप ये देख लें कि लिटरेरी टॉपिक्स को अवॉइड करें। हाँ, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड लिटरेचर का है तो वाई नॉट, लेकिन लिटरेरी टॉपिक्स का यही होता है कि आपको नहीं पता होता कि एग्जामिनर आपसे क्या उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए जो सीधा सीधा टॉपिक है, जो सीधा सीधा जिसका मतलब समझ आ रहा है, आप बस उसको यस करें और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। देन जब आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, आप देखें कि उसमें कौन सा एस्पेक्ट पूछा जा रहा है, उसके बाद आपने उस एस्पेक्ट पे ऐसे लिखना है। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू पे तो आपने सब कुछ लिख देना उसके बारे में, नहीं, आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताना होता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा उसमें बैकग्राउंड का जिक्र नहीं करना होता। अब फॉर एग्जांपल 2011 में एक टॉपिक आया था एसे का, द टाइम वी लिव इन इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो विंटर है ये मेटाफोरिकल कॉनोटेशन है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिस टाइम में रह रहे हैं वो सर्दियाँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। इसका विंटर जो है उसका जो मेटाफोरिकल कॉनोटेशन है, इसका मतलब है मुश्किल वक्त। ठीक है, तो ये हार्डशिप्स की तरफ इशारा है, ये मुश्किल वक्त की तरफ इशारा है। ठीक है, अब ये टॉपिक देखें, अब हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का इशारा मुश्किल वक्त से क्या है। ठीक है, इकनॉमिकली वो कह रहा है, आइडियोलॉजिकली कह रहा है, या किस हिसाब से कल्चरली कह रहा है, या सोशली कह रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करें जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आपको मैं मिसाल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस 2017 में एक टॉपिक आया था, फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। ठीक है, अब जिस एस्पायरेंट को थर्ड वर्ल्ड का मतलब ही नहीं पता, वो कैसे इस टॉपिक को करेगा, टैकल करेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी एस्पायरेंट ने जेंडर स्टडीज रखा हुआ है, ठीक है, फेमिनिज्म का तो उसको पता है, फेमिनिज्म पढ़े बगैर तो नहीं होता जेंडर स्टडीज़। ठीक है, वो जी देखते ही खुश हो गया कि जी फेमिनिज्म पे आया हुआ है, उसने धड़ाधड़ फेमिनिज्म का जो उसको आता था उसने अपनी नॉलेज की वोमिट कर दी पेपर के ऊपर, लेकिन वो पास नहीं हुआ। अब वो पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पूछा गया है उसने वो तो बताया नहीं। क्या एग्जामिनर को नहीं पता कि फेमिनिज्म क्या होता है? Obviously, he knows. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझें कि थर्ड वर्ल्ड इशू क्या है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड बेसिकली कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक हो गया, तो थर्ड उसने कहा है फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, यानी कि मुझे जो समझ आई इस टॉपिक की वो ये आई है कि फेमिनिज्म ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड का इशू है बल्कि ये ग्लोबल इशू है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और हो, या एग्जामिनर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो इसलिए इस तरह के भी टॉपिक अवॉइड करें जिसकी इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है। ठीक है, गलती की गुंजाइश है। अब मैं आपको एक नहायत ही अहम बात बताना चाहती हूँ कि टॉपिक को समझते कैसे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप पेपर देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें ज़रा आप देखिएगा, ये जो 0.6 है, ये जो 6 नंबर का ऐसे है, ये पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ 2011 का। ठीक है, अच्छा, ये जो 0.6 है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस। अब आप ये याद रख लीजिए, जिस जिस टॉपिक में एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है, तो आपने एंड के इस तरफ वाली चीज़ और एंड के उस तरफ वाली चीज़, फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, आपने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट बता दिया थोड़ा सा कि होता क्या है और सारा ऐसे आपका गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस की तरफ चला गया, नहीं, जब एंड है डेट्स मीन कि इन दोनों चीज़ों को आपने इक्वली टैकल करना है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताना था। और दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल अभी है ना टॉपिक थर्ड जो है, जिसकी मैंने मिसाल आपको पहले भी दी है, द टाइम वी लिव इन इज़ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें लगा हुआ है आगे पीरियड, फुल स्टॉप, और जहाँ जहाँ पे आपने देखा है कि फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ एग्जामिनर आपसे पूछ नहीं रहा, वो आपको बता रहा है। ठीक है, यानी वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये थर्ड टॉपिक में वो आपको ये नहीं पूछ रहा कि हम जहाँ रह रहे हैं हम वो एक विंटर ऑफ द वर्ल्ड है या नहीं है, वो कह रहा है। ठीक है, तो फिर आपने ये साबित करना है कि कैसे है।
ठीक हो गया। उसके अलावा जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ वो आपका स्टांस पूछ रहा है, और आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं, आप पॉजिटिव ले सकते हैं, यानी कि आप एग्जामिनर से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि आपने जो स्टांस लेना है आपने उसको साबित करना है, आपने यूँ हवा में बात नहीं करनी, आपने उसको साबित करना है। वो आप साबित किस तरह से करेंगे, रिसर्चेस से, रिपोर्ट से, बुक्स के रेफरेंसेस दे के, डिफरेंट तरीके से। इंशाल्लाह हम आगे ऐसे सीरीज़ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से रेफरेंसेस देने होते हैं। जी तो ये थी मेरी छोटी सी काविश, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई नॉलेज विद यू पीपल, ताकि आप लोगों का भी भला हो जाए और आप लोग मुझे दुआएं दो ऑब्वियसली। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी ऐसे सीरीज़ की, ये फर्स्ट पार्ट था, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं डिफरेंट आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, और किस तरह से वीडियोस आएंगी उसका एजेंडा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इन केस के अगर किसी ने मेरी एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ये जान सके कि हम किस किस तरह से कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ये टॉपिक्स एक दफ़ा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी हाउ टू मेक आउटलाइन के बारे में, इसमें बकायदा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आउटलाइन विद सैम्पल, ठीक हो क्या? बल्कि मैं आपको पूरा ऐसे करवाऊंगी इस पूरी ऐसे सीरीज़ के दौरान, और आपके जितने भी सवाल हैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको कवर कर सकूं। लेकिन स्टिल अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो, आपकी कोई क्यूरी रह गई हो, तो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं कमेंट्स के ज़रूर जवाब देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, और यही मैं बदले में ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग दुआ करिएगा। जजाकल्ला।